फ्रेंड्स, एप्पल सिनेमन केक बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम बनाने के लिए आटे और गुड़ का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। करने के लिए हमने डाला 1 कप आटा, आधा कप मैदा, आधा टीस्पून सोडा बाइकार्ब, आधा टीस्पून सिनेमन, दालचीनी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम अभी सीव करेंगे, मतलब छानेंगे एक थाली में। बस ये छना हुआ साइड में रख के केक बनाना शुरू करते हैं। इसमें हमने लिया हुआ है आधा कप मेल्टेड बटर और इसमें हम डाल रहे हैं आधा कप दही। इस मिक्सचर में हम अभी डालेंगे आधा कप गुड़। अब इसमें हम डालेंगे शक्कर जो कि हमने मिक्सी में पीसी हुई है। हम 1/4 कप शक्कर डाल रहे हैं। आप इसके बजाय वैसे गुड़ भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून वनीला एसेंस, ये जो भी इंग्रेडिएंट्स हम डाल रहे हैं डालने के साथ ही आप इसे घुमाते रहिए, जितना अच्छा बीट करेंगे उतना अच्छा केक फ्लफी बनता है। और इसमें हमने जो सीव किया हुआ ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो हम डालेंगे और ये इंग्रेडिएंट्स इंस्टॉलमेंट्स में डालेंगे, मतलब आप पूरा एक साथ मत डाल दीजिए। आप एटलीस्ट यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट्स में डाला हुआ है, डाल के आप मिक्स करते रहिए। अभी आप दूसरा भाग डालिए उसका। इसमें हम अभी दूध डालेंगे मिक्स करते हुए और दूध भी हम 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स में डालेंगे ताकि आप अगर मिक्स करते रहें तो आपके लम्स नहीं बने, आपका केक अच्छी तरह से बीट हो। अगर आपके पास केक की मिक्सी है तो बहुत ही अच्छा, आप ये मिक्सर में भी कर सकते हैं। इसे करीबन 10 मिनट तक हमें बीट करते रहना चाहिए या मिक्स करते रहना चाहिए। केक हम दूध हमने एटलीस्ट 3 बार डाला है। ये ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बस इसमें अभी कटा हुआ एप्पल डाल रहे हैं, हमने आधा बड़ा एप्पल डाला हुआ है। आप पूरा भी डाल सकते हैं अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो। इसे हल्के से और मिक्स करके बस बेकिंग डिश में डालेंगे। बेकिंग डिश को हमने पहले ग्रीस किया हुआ है बटर के साथ और उसमें हमने सूखा आटा डाला हुआ है। इसमें हम पोर करेंगे हमारा केक का डो। हल्का सा सेटल करेंगे। ओवन को तब तक हमने प्रीहीट करने के लिए भी रख दिया है 180 डिग्री पर और 5 मिनट के लिए। इसे हम अभी ओवन में डालेंगे बेक करने के लिए 180 डिग्री और 40 मिनट के लिए। ये हमारा केक बन चुका है। अगर आप अपने केक को कढ़ाई में बनाते हैं नमक के साथ और गैस पर तो भी आपको इतने ही मिनट प्रीहीट भी करना चाहिए और इतने ही मिनट करीबन 40-45 मिनट तक बेक करना चाहिए। ये हमारा केक बन चुका है। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लीन निकल आई है नाइफ को। हमारे पास डो थोड़ा बच गया था और उससे हमने थोड़े कप केक्स भी बना दिए। ये देखिए ऐसे सॉफ्ट होता है। एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।